हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड सॉस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले, बंगाली रसगुल्ले, जो कि बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि बिल्कुल कहीं से भी फटे हुए नहीं है, कहीं भी इनमें क्रैक का निशान नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का रसगुल्ला आप भी बनाएं तो आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका रसगुल्ला बिल्कुल ऐसा ही बनकर तैयार होगा। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर गाय का दूध। गाय के दूध का छेना जो है बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे और इस दूध को उबलने देंगे। ऐसे ही हमारे दूध में उबाल आने लग जाएगा, हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे दूध का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हो सके और उसके बाद हम इस दूध का छेना बनाएंगे। तो देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गया है, हमारे दूध का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हल्का कम हो गया है। दूध पूरी तरह से भी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है। अब हम इसका छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 से 3 चम्मच नींबू का रस और उसमें 2-3 चम्मच मैंने पानी भी ऐड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने दूध में डालेंगे और इसका छेना बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आधा ही डालती हूँ इसमें, थोड़ा सा और डालते हैं। और देखिए हमारा दूध जो है वो फटने लग गया है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और जैसे ही हमारा दूध अच्छे से फट जाए, इसका छेना अलग हो जाए, तो हम इसमें नींबू का रस डालना बंद कर देंगे। देखिए हमारा छेना जो है अच्छे से बन गया है, मतलब कि हमारा दूध फट गया है, दूध एक साइड पे हो गया है और पानी इससे बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसको छानेंगे। तो देखिए इसको छानने के लिए मैंने इस तरह का एक पतीला लिया है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर या कोई भी जाली हम लगा लेंगे और इसके ऊपर हम एक रखेंगे ये मसलीन का कपड़ा। और इसमें हम अपने इस दूध को डाल देंगे। ये देखिए इसे डाल दिया है हमने और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारा छेना है ये हल्का भी हो जाए और अच्छे से वॉश भी हो जाए। वॉश करने के बाद ये देखिए हमारा छेना जो है वो तैयार हो गया है और अब हम इसको थोड़ा सा दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। इसे हम बहुत ज्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो हमारा छेना जो है वो बहुत कड़क हो जाएगा। तो इजिली जितना पानी निकले उतना हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है और अब हम इस छेने को टांग के 15 से 20 मिनट तक के लिए रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इजिली निकल पाए और इसके अंदर मॉइस्चर भी बना रहे। तो हम इसको टांग देते हैं। तो चलिए जब तक हमारा छेना रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं डाल दूंगी 2 कप चीनी और इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। और ये 4 गैस हम चालू कर देंगे और इसको हम पकने देंगे। इसकी हमको चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसमें एक बॉईल आ जाए उसके बाद इसमें हम अपने छेने को डाल देंगे। तो इसको हम ढक देते हैं और हम चलते हैं अपने छेने के बॉल्स बनाने की तरफ। तो देखिए हमारे छेने को भी 15 से 20 मिनट तक हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं और देखिए इसका पानी निकल गया है और ये कितना सूख गया है, इसमें हल्का हल्का ही मॉइस्चर है। अब हम इसको अपने हाथों से मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट होने तक गूथेंगे। हम अपनी हथेलियों से इसको मसल मसल के तब तक इसको गूथते रहेंगे जब तक कि इसका
इसका एक सॉफ्ट डो तैयार नहीं हो जाता। इसको गूंदने में फ्रेंड्स हमें 5 से 7 मिनट लग जाएगा इसको सॉफ्ट करने में। तो चलिए इसे हम अच्छे से तैयार करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो ना ऐड करें। अगर आप इसको व्रत या फास्ट के लिए बना रहे हैं तो फिर इसमें आप ये ना ऐड करें। मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर अरारोट यूज कर सकते हैं, और यदि ना चाहें तो ना यूज करें। अब हम इसी तरह से इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से मसल लेंगे, और बीच बीच में हम अपनी चाशनी को भी चेक करते रहेंगे। हमने एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया है, और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाने के लिए इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें से जितने बड़े आपको गुलाब जामुन, जितने बड़े आपको रसगुल्ले चाहिए उतने बड़े बड़े हम इसमें से ये बॉल्स तोड़ लेते हैं। और ये देखिए इसका हम इस तरह से एक चिकना बॉल बनाएंगे, इसमें दरारें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमने एक बॉल बना के तैयार कर लिया है, और इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी बॉल बनकर तैयार हो गया। तो देखिए हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं छेने के। हमारे 1 लीटर दूध में ये 10 बॉल बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इसको शुगर सिरप में डाल देते हैं। देखिए हमारा जो चीनी की चाशनी थी वो अच्छे से उबल रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 कप से 1.5 कप तक का शुगर सिरप हम निकाल लेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे। ये देखिए मैंने 1.5 कप सिरप अलग कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी जो है बहुत अच्छे से उबल रही है। अब हम इसमें अपने ये जो बॉल्स हैं छेने के बॉल्स ये हम डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ सभी बॉल्स को डाल दिया है, और इसको हम बिल्कुल चलाएंगे नहीं, और हम लीड लगाकर इसको 5 मिनट तक के लिए शुगर सिरप में हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि जो हमारा शुगर सिरप का फ्लेम है, जो इसका टेम्परेचर है, बहुत हाई हो गया है। तो हमने जो पहले से शुगर सिरप निकाल के रखा था अब हम इसमें वो थोड़ा सा डाल देते हैं। 2 चम्मच डाल दिया। अब यहाँ पर इसका फ्लेम थोड़ा सा कम हो गया है, फिर वापस ढक के अब हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। देखिए फिर से 5 मिनट हो गया है, और फिर हम सेम प्रोसेस में इसमें 2 चम्मच सिरप डाल देते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो साइज में डबल हो गए हैं। अब इनको हल्के हाथों से हम थोड़ा सा पलट देंगे एक बार, ताकि दोनों साइड से अच्छे से चाशनी जा सके। इसको ढक देते हैं, और 5 मिनट के लिए फिर से हम इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स हम हाई ही रखेंगे, और मैं यहाँ पर एक इसको कढ़ाई में पका रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये सेम प्रोसेस कुकर या किसी गहरे पतीले में कर सकते हैं। जिस फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पर मैं ये 2-3 इलायची जो है साबुत डाल देती हूँ। ये मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ यहाँ पर। ये हम जब शुगर सिरप बनाएं तभी डाल दें, मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो केवड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इलायची को कूट के इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि उसके जो उसका जो पाउडर है वो छेने के ऊपर आ जाएगा, हमारी मिठाई अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम इसको ढक के 5 मिनट और पकाते हैं। देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो अच्छी तरह से बन गए हैं। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इनका साइज कितना बड़ा हो गया है, और हमारी चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और आधे घंटे के लिए कम से कम इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे।
और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के इसी में छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है और ये देखिए हमारे कितने अच्छे रसगुल्ले बनके तैयार हैं, छेने के रसगुल्ले। इनको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने स्पंजी हैं ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।